नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली आई स्टारगेट। वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में हम मैपिंग डिस्कस कर रहे हैं। मैपिंग में ये हमारी दूसरी वीडियो है। इससे पहले आप जो पहली वीडियो डिस्कस की थी हमने मैपिंग में, उसको भी आपको देखना है। उससे पहले अक्षांश, देशांतर, ये सभी वीडियो आपको बारी बारी से देखने, तभी बेहतर समझ आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रफल की बात करते हैं हम। एशिया का क्षेत्रफल कितना है? जिस प्रकार हम भारत का क्षेत्रफल देखते हैं, 32 लाख भारत का क्षेत्रफल है नॉर्मली, उसी प्रकार एशिया का क्षेत्रफल भी यदि हम देखें तो 4.4 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। एशिया का क्षेत्रफल पूरा का पूरा 4.45 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है। वैसे तो आगे और संख्या में भी है, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि केवल 4.45 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है। जब हमने एशिया का देखा है तो पहले विश्व का भी क्षेत्रफल देख लेते हैं। देखिए, यदि हम पूरे पृथ्वी के एरिया की बात करें, वो है 51 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। उसमें जो वाटर है वो है 36 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर वाटर फैला हुआ है, और जो लैंड यानी भूमि फैली हुई है वो फैली हुई है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर पर। यह भी बात आपको पता हो कि लगभग 71% क्षेत्रफल पर जल फैला हुआ है और लगभग 29% पर भूमि है। ठीक है, आप यहाँ पर देख भी सकते हो, ये जितने सारे के सारे मिला के भूमि ये 29% होती है, जबकि 70% पर जल फैला हुआ है, समुद्र फैला हुआ है। ये आपको बात लिखनी है। उसमें हमें, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर जो पूरा का पूरा लैंड का जो क्षेत्रफल है वो 14, या आप सामान्यतः कह सकते हो कि 15 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर है। इस 15 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर में से एशिया का क्षेत्रफल है 4.45 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। एशिया सबसे बड़ा है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार की। जिस प्रकार भारत का अक्षांशीय विस्तार हमने देखा था जब हम इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज पढ़ रहे थे, उसी प्रकार हम अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं पूरे एशिया का। ठीक है, पूरे एशिया का अक्षांशीय विस्तार यहाँ पर देखिए, आपको 0 डिग्री की अक्षांश दिखाई दे रही होगी। 0 डिग्री के नीचे 15 डिग्री की दक्षिणी अक्षांश दिखाई दे रही होगी। इन सभी को बोला जाता है दक्षिणी अक्षांश, और ऊपर वाले को बोला जाता है उत्तरी अक्षांश। इसलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर आ रहा है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया का जो विस्तार है लगभग 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक है। यह हम कह सकते हैं कि एशिया का दक्षिणी विस्तार भी 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक है, और उत्तरी अक्षांश 80 डिग्री अक्षांश तक। ये 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश आपको दिख रहा होगा, उसके ऊपर आएगा 76, फिर 77, फिर आएगा 80 डिग्री। इसलिए हम कह सकते हैं कि अक्षांशीय विस्तार एशिया का 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। उसी प्रकार देशांतरीय विस्तार भी देखिए। देशांतरीय विस्तार यहाँ पर आप देख रहे हो 30 डिग्री का पूर्वी देशांतर है, जो यहाँ पर टर्की बना हुआ नीला कलर में, ये भी एशिया के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर ये लगभग फैला हुआ है 26 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। यानी हम कह सकते हैं कि एशिया का देशांतरीय विस्तार 26 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर, इधर देखिए रशिया कहाँ तक फैला हुआ है, ये आ जाता है लगभग यहाँ पर, इधर देखिए अब, यानी लगभग 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक विस्तार है एशिया का। अब मैं वापस से बोल रहा हूँ, एशिया का क्षेत्रफल है 4.45 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। एशिया का अक्षांशीय विस्तार है 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। एशिया का देशांतरीय विस्तार है 26 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक। 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर यहाँ पर कैसे है, वो पिछली वाली वीडियो आपको जाके देखनी होगी। यह है 0 डिग्री का अक्षांश, इसके ऊपर होता है उत्तरी गोलार्ध, और ये पूरा का पूरा नीचे होता है दक्षिणी गोलार्ध। उसी प्रकार ये है 0 डिग्री का देशांतर, ये पूरा का पूरा होता है पूर्वी गोलार्ध, और ये पूरा का पूरा होता है पश्चिमी गोलार्ध। काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इनको हम ज़्यादा डीप में न जाके केवल यहाँ पे ये बताएंगे कि एशिया का अधिकांश विस्तार है उत्तरी गोलार्ध में। आप देख रहे होगे क्योंकि ये रेखा डिवाइड करती है उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में आपको दिख रहा होगा केवल थोड़ा ही पार्ट जो कि इंडोनेशिया का है वो आता है दक्षिणी गोलार्ध में। हम ये कह सकते हैं सामान्यतः कि अधिकांश क्षेत्र एशिया का उत्तरी गोलार्ध में है। उसी प्रकार ये है 0 डिग्री का देशांतर, और ये पूरा का पूरा पूर्वी गोलार्ध में है। हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि अधिकांश क्षेत्र एशिया का पूर्वी गोलार्ध में है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर, ये देखिए, थोड़ा
थोड़ा सा पार्ट पश्चिमी गोलार्ध में भी आ जाता है, बस इतना इसमें जानना था। अब बात करते हैं इसकी सीमा की। जिस प्रकार भारत की सीमा कई देशों से लगती है, उसी प्रकार एशिया महाद्वीप की सीमा किस प्रकार डिवाइड की गई है, किस प्रकार बांटा गया है, उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एशिया और यूरोप की सीमा किन किन माध्यम से अलग हुई है। सबसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है यूराल पर्वत, मैं भी आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आता है, आइए पहले देख लेते हैं। देखिए, एशिया से यूरोप अलग हुआ है यूराल पर्वत के द्वारा, यहाँ पर यूराल पर्वत है। उसके बाद जो आपको हरे कलर में दिख रहा है, ये है बोस्फोरस नदी। सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पर्वतों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, सब के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आता है यूराल पर्वत, उसके बाद बोस्फोरस नदी, फिर आता है कैस्पियन सी, ये कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर के बाद जो आपको रेड कलर में दिख रहा है, हल्के रेड में, ये है कॉकेसस पर्वत। उसके बाद आता है ब्लैक सी यानी काला सागर, और काला सागर में फिर ये यहाँ से आ जाता है भूमध्य सागर में, यानी यूरोप से एशिया महाद्वीप यूराल पर्वत, उसके बाद बोस्फोरस नदी, फिर कैस्पियन सागर, फिर काकेशस पर्वत, फिर काला सागर, और अंत में भूमध्य सागर। उसी प्रकार एशिया अफ्रीका से अलग हुआ है स्वेज नहर और लाल सागर। स्वेज नहर मानव निर्मित नहर है जिसको 1869 में बनाया गया था, और यह लाल सागर। ठीक है, धीरे धीरे आप इससे फेमिलियर हो जाओगे, धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चलने लगेगा। अफ्रीका से अलग हो गए एशिया और यूरोप से अलग हो गया। और यहाँ पर देखिए, यह है इधर नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर है बेरिंग स्ट्रेट। ऊपर देखिए आप, यह है बेरिंग जलसंधि। बेरिंग जलसंधि द्वारा एशिया महाद्वीप नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप से अलग हो रहा है। ठीक है, बात आती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से न्यू गिनी द्वीप सीमा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और एशिया महाद्वीप को अलग करती है। यहाँ देखिए, ये जो है इधर इधर वाला सारा पार्ट हो जाएगा एशिया, और ये सारा पार्ट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इतना आपको इसमें समझना था, आइए वापस से एक बार दिखा देता हूँ आपको हमने क्या क्या डिस्कस किया है। ये देखिए, सबसे पहले मैंने बताया आपको क्षेत्रफल, फिर अक्षांशीय विस्तार, फिर देशांतरीय विस्तार। अधिकांश भाग पूर्वी गोलार्ध में, और वहीं पर मैंने बताया था कि अधिकांश भाग ही उत्तरी गोलार्ध में है। यूरोप से यूराल पर्वत, बोस्फोरस नदी, यहाँ पर नहीं लिखी लेकिन आपको लिखना है, फिर कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत, काला सागर, और अंत में भूमध्य सागर द्वारा निर्धारित हुआ है यूरोप से अलग हुआ है। एशिया ऑस्ट्रेलिया से न्यू गिनी द्वीप द्वारा अलग हुआ है, जो मैंने आपको दिखाया है। तीन ओर से महासागरों से घिरा हुआ है, यहाँ पर देखिए, इधर है प्रशांत महासागर पूरब में, दक्षिण में है हिंद महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में तो वही जो सीमा मैंने आपको बताई, कई यहाँ यूराल पर्वत, फिर बोस्फोरस नदी, कैस्पियन सी, फिर काला सागर, भूमध्य सागर, ये सब मैंने आपको बताई। वही फिर हमने अफ्रीका का डिस्कस किया था, फिर उत्तर अमेरिका से कौन से जल संधि द्वारा अलग हुआ है, ये सब आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अब, ये देखिए, यहाँ पे हमने जब इंडियन ज्योग्राफी में डिस्कस किया था भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, ये सब हमने डिस्कस किया था। उसी प्रकार हम डिस्कस करते हैं एशिया का। एशिया का सबसे उत्तरी बिंदु है चिल्युष्किन अंतरीप, जो कि रशिया में है, यहाँ पर ऊपर ऊपर है वो चिल्युष्किन अंतरीप। ठीक है, ऊपर में है। दक्षिणी बिंदु तानजुंग पीआई, मलेशिया। अब देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जिस प्रकार यदि हम कहे कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो 8 डिग्री 4 मिनट ये बोलोगे आप। लेकिन यदि पूछा जाए कि भारत की द्वीपों सहित दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तब आपका आंसर होगा 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। और यदि पूछा जाए मुख्य भूमि, तो आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मुख्य भूमि की, यहाँ पर हम द्वीपों की बात नहीं कर रहे, अभी द्वीपों की बात भी हम करेंगे। पहले आपको लिखना है कि मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है वो मलेशिया में है, यहाँ पर मलेशिया है, और यहाँ पर नीचे इंडोनेशिया आ जाता है। यदि हम द्वीपों सहित एशिया का दक्षिणी बिंदु के बारे में पूछेंगे, तो वो होगा इंडोनेशिया में। दक्षिणी बिंदु अभी मुख्य भूमि का कहाँ पर है, मलेशिया में। पूर्वी बिंदु देजनोव अंतरीप, ये कहाँ पर है, साइबेरिया रूस में। ये देखिए, जो ये रशिया फैला हुआ है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है सबसे पूर्वी बिंदु। पश्चिमी बिंदु वास्फोरस अंतरीप, जो कि टर्की में है, यहाँ पर है। ये आपको मुख्य भूमि के हो गई। अब हम बात कर लेते हैं द्वीपों को भी मिलाकर, तो द्वीपों को मिलाकर यहाँ पर चारों बिंदु लिखे हुए हैं, द्वीपों के बिना, यानी केवल मुख्य भूमि, चारों बिंदु यहाँ पर लिखे हैं जो ऊपर भी हमने देखे। ये चारों बिंदु आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एशिया के। सबसे पहले एशिया के सबसे उच्चतम तापमान, यानी
सबसे ज़्यादा तापमान एशिया में कहाँ पर मिलता है? वो मिलता है तिरास तिश्ती, जो कि इजराइल में है, यहाँ पर है। इजराइल मैंने आपको दिखाया था, देखिए दिखा देता हूँ एक बार वापस से। बार बार देखते रहेंगे चीज़ों को तो आपके याद हो जाएगी मैपिंग एकदम। देखिए यहाँ पर है इजराइल, ठीक है। इसी को मैंने उठा के जूम करके यहाँ पर ले आया, और ये तिरास तिश्ती जो कि इजराइल में है, उच्चतम तापमान एशिया का वहाँ पर पाया जाता है। यदि पूछे विश्व का सबसे उच्चतम तापमान कहाँ पाया जाता है, अल अजीजा जो कि लीबिया में है। लीबिया कहाँ पर है, ये लीबिया भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए अफ्रीका में लीबिया है। अल अजीजा कहाँ पर है वो मैं आपको तब दिखाऊंगा, तब हम अफ्रीका महाद्वीप की मैपिंग डिस्कस करेंगे। एशिया का सबसे उच्चतम तापमान देख लिया, विश्व का सबसे उच्चतम तापमान देख लिया, अब हम एशिया के सबसे न्यूनतम तापमान की बात करते हैं। यह है -49 डिग्री सेंटीग्रेड, कहाँ पर है, रशिया के वरखोयांस स्थान पर। कहाँ पर, यहाँ पर है देखिए वरखोयांस, ठीक है, रशिया में है ये। नोट करके लिखना है कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान भी यही है, यानी वरखोयांस ही है। आपका सब क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार भारत की हम समुद्री तट रेखा ज्ञात करते हैं, उसी प्रकार यदि एशिया की समुद्री तट बात करें तो यह 69,000 किलोमीटर, लेकिन इसमें द्वीप नहीं मिले हुए हैं। द्वीप का मतलब केवल मुख्य भूमि वाली समुद्री तट की बात की जा रही है यहाँ पर, ये वाली समुद्र तट की बात की जा रही है केवल, ना कि इंडोनेशिया के। केवल इतना ही आपको याद रखना है कि समुद्र तट 69,000 किलोमीटर है, लेकिन उसमें आइलैंड्स नहीं ऐड किए गए हैं। आइलैंड हो गए तो फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा वो। उत्तर से दक्षिण एशिया महाद्वीप की लंबाई कितनी है, 6,440 किलोमीटर। भारत की कितनी है, 3,215 किलोमीटर, ये आपको पता होगा। पूर्व से पश्चिम एशिया महाद्वीप की लंबाई कितनी है, 9,650 किलोमीटर। भारत की कितनी है, 2,933 किलोमीटर। इस वीडियो में हमें इतना जो हमारा बच गया था ये डिस्कस करना था। आगे हम डिस्कस करेंगे दक्षिण एशिया, जिसमें मुख्यतः 8 देश आते हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान। बांग्लादेश में क्या चीज़ फेमस है नदियों के बारे में, पर्वत, पठार, जो भी वहाँ पे मिलता है। उसी प्रकार भारत में झीलें, कौन कौन से झीलें फेमस है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। अब एक एक देश उठाएंगे, उस देश में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सभी के सभी महत्वपूर्ण चीज़ें जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी अगली वीडियो का टॉपिक होगा, लेकिन उससे पहले आपको कुछ क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। यह है सबसे पहला क्वेश्चन जो कि यूपीएससी में पूछा गया था, मैपिंग से रिलेटेड। दक्षिण पश्चिम एशिया, जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दक्षिण पश्चिम एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है। मैंने आपको वहाँ पे जब किया था, हालांकि अभी हम जब दक्षिण पश्चिम एशिया डिस्कस करेंगे वहाँ पे और बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप क्वेश्चन देखते रहिए किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो कि पढ़ना कैसे है। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल। आप इसमें से आंसर सोचिए, आपको आंसर इसमें बताना है कि कौन सा देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला हुआ है। मैंने वहाँ पर आपको थोड़ा सा जोर दे के बोला भी था, आइए इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये इसको बोला जाता है दक्षिण पश्चिम एशिया, और यहाँ पर ये 4 देश है जिसको नाम ऊपर दिए गए हैं। जॉर्डन है, जॉर्डन नहीं फैला हुआ है भूमध्य सागर तक, यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, जॉर्डन ही आंसर होगा। इजराइल भी फैला हुआ है, लेबनान भी, सीरिया भी फैला हुआ है, लेबनान भी, इजराइल भी। जॉर्डन भूमध्य सागर तक नहीं फैला हुआ है, यानी जॉर्डन की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है। यहाँ पर देखिए उसकी सीमा लाल सागर से लगती है, यानी जॉर्डन लैंड लॉक कंट्री नहीं है, बट जॉर्डन की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती। वही क्वेश्चन उसमें पूछा गया था 2015 में, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, जो थोड़ा सा भी ध्यान देगा वो निकाल देगा। दूसरा है, महासागर और समुद्र में ज्वारभाटा किसके कारण होता है। तो हमने डिस्कस कर लिया ज्वारभाटा, आप बताइए इसका क्या आंसर होगा। मैं ऑप्शंस दे देता हूँ, पहले और दूसरा ठीक है, दूसरा और तीसरा ठीक है, तीसरा और पहला ठीक है, चौथा ऑप्शन से पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों ठीक है। यदि आपने वीडियो देखी होगी तो आप इसका आंसर दे दोगे, तीनों ठीक है। सूर्य का गुरुत्व बल भी कार्य करता है, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल भी कार्य करता है, चंद्रमा का गुरुत्व बल भी कार्य करता है। चंद्रमा का गुरुत्व बल कितना कार्य करता है, 11, हमने डिस्कस किया था। सूर्य का गुरुत्व बल 5, और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल कैसे कार्य करता है, जैसे हमने बताया था आपको, ये हमारी पृथ्वी है, चंद्रमा है, ये सूरज है। चंद्रमा का यहाँ पर 11 लगा और सूरज का यहाँ पर 5 लगा, लेकिन पृथ्वी अपने आप को संतुलित करने के लिए वापस से 11 और 5 पीछे की ओर अपकेंद्रीय बल लगाएगी, यानी इधर भी ज्वार उठेगा, इधर भी ज्वार, और यहाँ पर 16 16 फिट का भाट आएगा। ये हम सब डिस्कस किए थे, बहुत ही अच्छे से डिस्कस हमने किया था। एक क्वेश्चन और है, इसको भी आपको बताना है।
भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? वापस से क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे पूर्वी राज्य को और दूसरा सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? 2014 में पूछा गया था ये। पहला ऑप्शन से असम और राजस्थान, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, तीसरा है असम और गुजरात, चौथा है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। आपको बताना है सबसे पूर्वी सबसे पश्चिमी। इसका आंसर ए तो नहीं है, ना ही सी है, इसका आंसर है डी। आइए देखिए कैसे। यह हमारा भारत है, यहाँ पे भारत का सबसे पूर्वी वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर देखिए, यह अरुणाचल प्रदेश आ गया। उसी प्रकार भारत का सबसे पश्चिमी वाला राज्य कौन सा है? यहाँ पर देखिए, गुजरात। आंसर इज डी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप यदि ध्यान से डिस्कस करेंगे चीज़ों को बिल्कुल इजी हो जाएगा पेपर, ठीक है? यूपीएससी हो, पीसीएस हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो, आपको बस ध्यान से मेहनत करनी है, चीज़ों को देखता रहना है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी, या आपको देखते रहना है पीसीएस किस प्रकार के पूछते हैं, ये भी आपको देखते रहना है। जो हम वीडियो बनाते हैं वो पीसीएस यूपीएससी दोनों को पेपरों को देख के तभी बनाते हैं कि क्या क्या किस अकॉर्डिंग से कैसे पूछा जाता है। तो आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ यहाँ पे कवर किया जाएगा। ये वीडियो अच्छी लगती है कमेंट करते रहिए, कोई भी वीडियो में कुछ भी सुधार चाहते हैं तो आप तब भी हमको सजेशन दे सकते हैं, हम लोगों को सजेशन दे सकते हैं, वीडियो और बेहतर बनाई जाएगी। थैंक यू वेरी मच।